नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द बिहार 24। बिहार सरकार की नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव बरसाती राजनेता है। चुनाव में फायदे को देखकर राजनीति करते हैं, जनता के बीच रहते हैं। बाढ़ के समय में जनता से दूर विदेश यात्रा पर निकल गए नितिन नवीन ने कहा कि जनता पहले भी इनको सत्ता से बाहर कर चुकी है और आने वाले समय में भी बाहर रखेगी। बिहार की जनता को NDA पर पूरा भरोसा है। देखिए, आपने किसी भी ऐसे मौके पर तेजस्वी यादव को जनता के बीच में नहीं देखा होगा जब जनता समस्याओं में घिरी हो और तेजस्वी यादव जमीन पर नजर आ रहे हो। तेजस्वी यादव तो राजनीति रोटी सेकने के लिए चुनाव में आते हैं, फिर आएंगे, राजनीति करेंगे, चले जाएंगे। तो ये बरसाती लोग केवल चुनाव में नजर आते हैं, जनता से इनको न सरोकार है। और भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार पूरी तरह से जनता के प्रति जवाबदेह है और जनता ने हमको मैंडेट दिया है तो हम उनकी सेवा भी करेंगे, समस्या रहेगी तो उनके साथ खड़े होकर उसका निपटारा भी करेंगे और आपदा के अवसर पर भी जनता के साथ खड़े होकर उस आपदा में भी जनता के दुख दर्द के साथ शामिल होंगे। देखिए, इसके पहले भी लालू कई बार जेल का तीर्थाटन कर आए हैं और पिछले दिनों लंबे इतिहास रहा है लालू जी का जेल के सफ़र का और किस प्रकार के कारनामे किए हैं उनके समर्थक भी जानते हैं कि अपने परिवार के लिए अकंठ संपत्ति अर्जित कर कर उनके समाज के लोग को भी हाशिए पर रखा, इस राज्य के लोगों को भी हाशिए पर रखा और इस राज्य के गरीब जनता का पैसा का लूटने का काम किसी ने किया तो लालू यादव और उनका परिवार ने किया है। तो आज जब अगर सजा मिलेगी तो निश्चित रूप से न्याय होगा और कहीं ना कहीं एक केस नहीं, ऐसे दर्जनों मामले हैं, चारा घोटाला से अलकतरा घोटाला, जॉब पर जमीन घोटाला, कितने ही तरह के घोटाले में पूरा परिवार लिप्त रहा है। पर आज परिवार के मुखिया, उनके पार्टी के नेता को अगर सजा होती है तो कहीं ना कहीं पार्टी के बाकी नेताओं को क्षमा मांगनी चाहिए बिहार की जनता से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।